यू आर वॉन्टिंग 10 एसोसिएट्स हु कैन सेल 2,000 and 20,000 पीसेस फॉर यू सिमिलरली दे विल एक्सपेक्ट समथिंग टू बी डन बाय यू ऑल्सो. ठीक है, हम ये समझेंगे कि ये कोलैबोरेशन और ये जॉइंट वेंचर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विच इज द एजेंडा टुडे. वन. नंबर टू एजेंडा हम ये देखेंगे आपके अपने लिए, ये डू टू डू क्लास है, ऐसा नहीं कि मैंने घर जाके होमवर्क करना है, यही करना है. सेकेंडली, ऐसा कौन सा हुनर मैं मेरे ही अंदर ले आऊं, मीन मैं अपने अंदर दो कोलैबोरेशन क्रिएट करूं. सोनल ने क्या किया, उसने दो कोलैबोरेशन अपने अंदर क्रिएट की. सोनल पैकर पहले बनी और फिर वो क्राफ्टर बनी. आई हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, जो पहले क्राफ्टर थे फिर वो पैकर बने. या अभी वो कह रही थी मैं रेजिन कर रही हूँ और कैलीग्राफी सीख रही हूँ, तो दो मुझे उसका समझ नहीं आया कि एक रेजिन और कैलीग्राफी को वो कोलैबोरेट एज अ बिजनेस कैसे करेंगी. बिकॉज अगर हम एक ऐसे बिजनेस को कोलैबोरेट करते हैं जहां पे कस्टमर सेम हो, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. Why Shalini Mittal and Shalini Beriwal, Crafter Corners and MAP worked? Because the customer is the same, your buyer is the same. जिसको अंजू एज अ क्राफ्टर बेचेगी उसी को अंजू एज अ पैकर बेचेगी, जिसको सोनल एज अ क्राफ्टर बेचेगी उसी को सोनल एज अ पैकर बेचेगी. सो मीन्स मैं जो दूसरा हुनर अपने अंदर लेके आ रही हूं उसके लिए मुझे दूसरा कस्टमर नहीं खोजना. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So two things we are going to learn here today. Number one, जो आज का मेरा focus है, बहुत नए ढंग से हम करने वाले हैं उसको breakout rooms के through. जिनको नहीं आता उनको भी, आज के दिन landmark day होने वाला है आपका, landmark day. तो अरे एक मैं बात बताऊं, शालिनी मित्तल मुझे कोई कमीशन नहीं देती, मैंने दो बार मांगी भी थी. एंड शी टेल्स आई डोंट गिव डिस्काउंट्स, आई डोंट गिव कमीशन. मैंने कहा था भैया जिसको डिस्काउंट देती कमीशन दे दे मेरे को, मैं वैसे पैसे कमा लूंगी, इतने सारे पैकर्स हैं. एंड शी सेड शालिनी जी, फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि चल कोई गल नहीं, ऐसी बात है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो ठीक ठाक चल रहा है तो चला लेती हूँ मैं सी. तो दिस इज ऑल्सो थर्ड वे ऑफ अर्निंग, गेट इट? मीन्स राइट नाउ माई क्लाइंट इज माई स्टूडेंट, जहां पे मैं इमोशनली अटैच हूँ और मेरी ड्यूटी है कि वो कमाए. तो अगर मैं कमीशन लूंगी तो अपने स्टूडेंट की कमीशन कमाई में से खा लूंगी. रीना आंख मार रही है मेरे को यहाँ पे, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, तो वन वी आर गोइंग टू डिस्कवर वो 10 लोग कौन है जिन्हें जो मुझे बिजनेस देंगे, और वो 10 लोग कौन से जिन्हें मैं बिजनेस दूंगी. और ये घबराइएगा नहीं, मेरे पास, मैं छोटी शहर से हूं, मुझे पता नहीं है लोग क्या है. एवरीबडी ऑफ यू हैव पीपल हु कैन गिव बिजनेस, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ 100%. सेकेंडली, हम ये सीखेंगे कि हम दो कौन से आर्ट एंड क्राफ्ट या तीन कौन से आर्ट एंड क्राफ्ट चीजों को इकट्ठे लेकर आए ताकि आपके बिजनेस की किटी बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए. फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक फ्लैट खरीदने जाती हूँ, मैं वर्किंग हूँ, तो मुझे कोई अपार्टमेंट बेचता है जो बना हुआ ठीक ठाक है पर मुझे उसको इंटीरियर करना है. पर मुझे कोई फ्लैट बेचता है जिसके अंदर एक इंटीरियर डिजाइनर भी है, एक पेंटर भी है, एक यू नो समबडी टू डू विद द लाइट्स भी है, सब कुछ है, और कोई कमीशन इन्वॉल्व नहीं है. मैं कौन सा खरीदूंगी, बेयर वॉल्स खरीदूंगी कि वो खरीदूंगी जिसमें सब सर्विसेज हैं? विच वन विल आई बाय? सो आई विल बाय द सेकेंड वन, राइट? द सिमिलरली यू नीड टू क्रिएट योर बिजनेस हेयर. और इसके मैंने आपसे 999 रुपए भी नहीं लिए, फ्री में करा रही हूँ अभी आज मैं आपको इसको. कितने लोगों ने मुझे 999 दिए पीछे 3 दिन की क्लास के अंदर, सेकेंड जोन. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गोइंग टू शो यू अ स्मॉल पीपीटी. ये सेलिब्रेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है. सेलिब्रेशन इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे B2B एंड B2C दोनों में बल्क बाइंग होती है. मैंने विमेन इकोनॉमिक फोरम के अंदर पूरी प्रेजेंटेशन दी इसके ऊपर, राइट? उसमें से मैं निकाल के लाई हूँ कि आपको, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मैंने देखे, इवन इवन द जोडिया कैंडल्स, इवन द सोप, तो जो है शॉप सप्लाईज जो आप बात करते हैं आगे रिटेलर को देना, उसमें तो भी एक कैच है. क्योंकि आपसे लेके रिटेलर मार्जिन पे बेचेगा तो वो आपके प्राइस को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा, तोड़ेगा, कंपेयर करेगा. लेकिन जब हम एसोसिएट्स के साथ काम करते हैं तो ऐसा नहीं होता. एसोसिएट्स आपको तोड़ते मोड़ते नहीं है, एसोसिएट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भाई क्लाइंट में ऐसी बात है तो इसको कैसे करें. क्योंकि आप वहां पे बायर एंड सेलर नहीं है, यू आर पार्टनर देयर.
इज इट क्लियर? यू आर पार्टनर देयर, कि आप यहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो ये नहीं कि मैंने पैसे कमाने हैं, रिलेशन ये है कि मैंने तेरे बिजनेस को ग्रो करना है, तूने मेरे बिजनेस को ग्रो करना है, और इनसाइड दैट जो मेरा कस्टमर है उसको बेनिफिट हो. सिमिलरली आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, पार्टनरशिप विद शालिनी मित्तल हैज ग्रोन माई बिजनेस. अंजू, ज्योति, एवरीबडी हैज कम फ्रॉम हर टीम टू माई कोर्स, उन्होंने मेरा कोर्स लिया. सिमिलरली माई स्टूडेंट्स हैज बॉट थिंग्स फ्रॉम हर एंड उन्होंने यूज भी किया. जितने पैसे उन्होंने लगाए शालिनी के पास में, दे हैव अर्न दैट मच ऑफ मनी. लाइक सोनल इज अ ट्रे एग्जाम्पल, एंड इन द प्रोसेस द स्टूडेंट इज विनिंग. सो हाउ अबाउट अ बिजनेस प्लान जहाँ पे सबकी जीत है, इंक्लूडिंग द कस्टमर? हाउ अबाउट दैट? इज इट इंस्पायरिंग यू? इज इट इंस्पायरिंग यू? आपको लग रहा है कि यार मैं बस, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. आई रियली वॉन्टेड ऑल ऑफ यू टू इन्वाइट योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू दिस ग्रुप, जो कि फैशन में हो, सेलिब्रेशन में हो. पे मैंने बोला नहीं कि मेरे को आपको लगेगा ये तो चिपक ही जाती है, एक हाथ उंगली पकड़ती है, फिर हाथ, फिर हाथ, फिर हाथ, फिर हाथ. इसलिए मैंने सोचा आज आप जब बैठे होंगे सामने तो हम अपने नेक्स्ट इवेंट के लिए ये बात बोलेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक एट द पीपीटी फर्स्ट, सो दैट हम उसको समझ सकें और वहां से आगे निकलें. सो लेट्स हैव अ लुक. और आपने नोट करते हुए चले जाना है कि आपके लिए कौन से पार्टनर्स बिल्कुल फिटिंग है, आपके लिए कौन से पार्टनर बिल्कुल फिटिंग है. वेयर इज माई पीपीटी गॉन? लेट मी स्विच इट ऑन एंड आई गो टू जूम एंड शेयर द पीपीटी. सो कोलेबोरेशन एंड ज्वाइंट वेंचर्स सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में किसके साथ हो सकती है? आप लोगों ने सारी पीपीटी कॉपी करने की जरूरत नहीं हो. तो एक ना इवेंट में मैं गई, वहां पे खाना पीना था बहुत सारा, 4,000 डिशेस थी. उन्होंने हमसे तकरीबन तकरीबन 5,500 रुपए हर व्यक्ति से पैसे लिए थे. सब जने को एक एक चम्मच टेस्ट कर रहा था, कोई कुछ टेस्ट कर रहा था, थोड़ी देर में सारे परेशान हो रहे थे. एक लेडी थी वहां पे, मेरे को अभी तक याद है, सुचित्रा सिंह, अ वेरी फेमस इंटीरियर डिजाइनर. उसकी प्लेट में सिर्फ एक ही खाना था. तो मैंने उसको ये पूछा कि यार सारे इतना कुछ खा रहे, तू एक ही क्यों खा रही है? वो कहती है सबको मैंने देख लिया एंड आई हैव पिक्ड अप द बेस्ट फॉर मी. आर यू रेडी टू पिक अप द बेस्ट फॉर यू? आर यू रेडी टू पिक अप द बेस्ट फॉर यू? सो प्लीज अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आप उसमें से बेस्ट अपने लिए निकालो. हु इज द बेस्ट फॉर यू? सो आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज गोइंग टू बी योर पोटेंशियल पार्टनर. आपके बिजनेस के लिए कौन से पोटेंशियल पार्टनर हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रॉस इंडस्ट्री कोलेबोरेशन करेंगे? हु विल डू दैट? क्रिएटिंग अ विन विन पार्टनरशिप जिसके साथ में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे हम खुद हो, उनको जीत ही मिलेगी, हारने का कोई स्कोप ही नहीं है. और कहाँ पर हम एक जॉइंट मार्केटिंग इनिशिएटिव ले सकते हैं? आप ये देखो सारे एफर्ट आधे हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे सारे सारे एफर्ट आधे? आपने एक अच्छे काम किया, आज मैंने और शालिनी ने आप लोगों को बुलाया, शालिनी ने अपने लोगों को बुलाया, मैंने अपने लोगों को बुलाया, एक जॉइंट एफर्ट है. अगर वो अभी अलग कर रही थी, मुझे बुलाया, उन्होंने एक वेबिनार किया, फिर मैंने बुलाया, फिर उन्होंने किया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हमने 6 घंटे लगाए. ओवर हियर इन अनदर 1.5 आवर इट्स डन एंड सॉर्टेड फॉर एवरीवन. सो यू आर सेविंग टाइम, एनर्जी, मनी. जूम के भी पैसे कम लगे ना? जूम के पैसे लगते हैं, पता है ना आपको, पैसे लगते हैं जूम के भी, उसके भी पैसे कम लगे. आप लोग का टाइम भी कम लगा, आपका टाइम भी कम लगा, इज इट राइट? तो आपको ये जो जॉइंट वेंचर्स कोलैबोरेशन होते हैं, जिसे कहते हैं क्लाइंट एक्विजिशन, जिसे कहते हैं मार्केट. क्लाइंट एक्विजिशन का मतलब है कस्टमर को लेना, प्रोस्पेक्टिंग. उसमें टाइम कम, उसमें पैसा कम, मार्केटिंग में टाइम कम, मार्केटिंग में पैसा कम. एंड देन इनिशिएटिव लेने से आप जॉइंटली करते हो सारी चीजें. आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ को लेवरेज करते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. सो मैंने क्राफ्टर्स कॉर्नर की स्ट्रेंथ को पैकर्स के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए लेवरेज किया कि भाई तुम बीमार हो, तुम छोटे शहर में हो, कहीं से भी हो, तुम्हें फट से ये लो मशीन, अपनी चीजें बनाओ और ऑर्डर कर दो. शालिनी ने मैप के लोगों के साथ में कोलैबोरेट किया ताकि उन्हें एक वाइडर होराइजन मिले टू सेल द प्रोडक्ट. एक कस्टमर पूरा कर सके, जिसे मेटल के साथ में चाहिए, जिसको वुड के साथ में चाहिए, उसके साथ में भी वो कर सके. तो हमने एक दूसरे की स्ट्रेंथ को लेवरेज किया. सो कोलैबोरेशन सेलिब्रेशन इंडस्ट्री में कौन कौन सी हो सकती है? मेकअप आर्टिस्ट,
आप कहोगे मेकअप आर्टिस्ट, यस, ऑल द पीपल हु हैज वेडिंग कस्टमर इज योर कोलैबोरेटिंग पार्टनर्स, बिकॉज आपके पास में भी वेडिंग कस्टमर आ रहा है, मेकअप आर्टिस्ट के पास में भी वेडिंग कस्टमर आ रहा है, तो आप वहां पे लीड शेयरिंग कर सकते हैं. नाउ वेदर इट इज अ मेकअप आर्टिस्ट और अ मेहंदी आर्टिस्ट, विच आई एम गोइंग टू गिव मोर नेम्स, रिमेंबर एक गुरु मंत्र लिख लीजिए. अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम है, मीन्स आप 20,000, 2,000, 4,000, 5,000 जो भी है, यू विल कोलैबोरेट विद द पर्सन प्रोफेशनल ऑफ द सेम स्टेटस. अगर आप 500 का सामान बेच रही हैं और आपने कोलैबोरेट बहुत हाई फंडा मेकअप आर्टिस्ट या मेहंदी आर्टिस्ट से कर लिया, वो कस्टमर आपसे बाय नहीं करेगा. आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है और वो लोअर रेंज की सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो भी आपसे बाय नहीं करेगा. सो यू हैव टू हैव अ कोलैबोरेटर जो आपके पास में हम सेम कस्टमर पीपल हु हैव डन दीज सुप्रीम स्ट्रेटेजी सिंपल सॉल्यूशन 3 डेज वर्कशॉप जो हमने गिफ्ट गुरु के इनसाइट की थी, वहां पे हमने क्लाइंट प्रोफाइलिंग कर ली हुई है. तो जिन्होंने क्लाइंट प्रोफाइलिंग कर ली होगी उनको ये पता होगा कि मेरा क्लाइंट कौन है, तो मुझे किस लेवल के मेकअप आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करना है. जो 10,000 ले रहा है मेकअप के, जो 20,000 ले रहा है, या जो 2 लाख ले रहा है, या 2.5 लाख ले रहा है, किसका, तो आपको ये देखना है कि किसका. देन ज्वेलरी डिजाइनर्स, बिकॉज ईच वेडिंग नीड ज्वेलरी रियल एज अ ब्राइड एंड अ फैमिली टू वेयर, एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी as a favors. So person who was doing jewelry, that is Jinal. So Jinal ko agar 10 stakeholder chahiye apni gehne ko aram se bechne ke liye, so wedding planners, event planners are all good for her, the salons are good for her, only for hair accessories, for nothing else. Lekin all the gift packers, बिकॉज वो पैकिंग कर रहे हैं, वो मेहंदी की पैकिंग कर रहे हैं, तो उसमें फेवर्स लगते हैं. इवेंट प्लानर्स, वो सारे जने इनके लिए फिट है. तो जीनल आप नोट कर लें. ऑल द पीपल हु आर मेकिंग सिंगल पीस डोर हैंगिंग्स, हु आर मेकिंग जूल्स, हु आर मेकिंग ब्रेसलेट्स, हु आर मेकिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स, उनके लिए ये कोलेबोरेशन अच्छे हैं. मैट्रिमोनियल सर्विसेस, जो लोग शादियां कराते हैं, वो तो बिल्कुल घर है, सगाई वहां पे उन्होंने कराई और वहां पे उनको 100 कस्टमर चाहिए उस बंदे को, सो यू कैन कोलैबोरेट विद देम. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ, व्हाई विल दे कोलैबोरेट विद यू. आप मुझसे पूछो पहले, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि व्हाई विल दे कोलैबोरेट विद यू. दे विल कोलैबोरेट यू, वन, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप उनके कस्टमर को कुछ डिस्काउंट ऑफर करते हैं कि अगर आपके थ्रू आता है, आई एम गिविंग देम अ डिस्काउंट. नंबर टू, आप उन्हें एक सेट प्रॉफिट के अंदर पार्टनर बना लेते हैं कि हम आपको इतना देंगे. नंबर थ्री, आप वेल कनेक्टेड हैं और आपके पास में भी लीड्स होती है मैट्रिमोनियल्स की, तो अभी आप उन्हें अपना उनको पार्टनर बना सकते हैं. लेकिन आपके लिए तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे पार्टनर है ही है. रेसिप्रोकेट उन्हें कैसे करना है आपको, दैट इज अ क्वेश्चन. ब्राइडल बुटीक्स, जो भी शादियों का कपड़ा बनाते हैं, अगर बेबी अनाउंसमेंट आप करती हैं, तो जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स का काम करते हैं, इन्फेंट्स को फूड देते हैं, दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड कनेक्ट फॉर यू. देन वेडिंग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स, देन वेडिंग प्लानर्स, ब्राइडल शोज एंड एक्सपोज, जो एग्जीबिशन होती हैं वो भी. सो दीज आर ऑल अ गुड क्राफ्टर्स. देन एक सेकेंड रो है, उसके अंदर हम कह सकते हैं केटरर्स, उसके अंदर हम कह सकते हैं घोड़ी वाला ऑल्सो, वो तो फिर सारे बहुत सारे हैं. जितनी शादी की सर्विसेज हैं उतने आपके कोलैबोरेटर हैं. इज इट ऑल क्लियर टू यू पीपल नाउ? इज इट ऑल क्लियर टू यू पीपल? डन. सो आपने लिखा कि आप किस किस के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं. हैव यू रिटन दैट? Have you jotted down? There might be so many people who might, people who are making torans, people who are making painting, painting walon ke liye interior designers and all. Sarita, please type it down because we have to open a breakout room. So, aap apna question ko type karein abhi. So, and because we'll take questions at the end so that we move speedily and you get the maximum benefit. Jaungi nahi jab tak aapke sare question answer nahi kar lungi. That's my promise. So, Seema ji says, everybody is able to hear me clearly? So Seema ji, you need to check your voice there because everybody is able to hear me very, very clearly. Done. अब हम आगे चलते हैं ये जानने के लिए कि मैंने तो ये सोच लिया कि मैंने इस बंदे से कोलैबोरेट करना है, पर क्या ये बंदा मुझसे कोलैबोरेट करेगा कि नहीं? मैं उससे बात कैसे करूं? प्रैक्टिस सेशन चाहिए? डू यू वॉन्ट अ प्रैक्टिस सेशन? एवरीबडी चाहिए? तो एक जूम पे फैसिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट रूम. How many of you have been to a breakout room with me before or with anybody else? Please write down on the
how many of you have been to breakout room? So quite a few of you. Okay, wonderful. So हम 140. So I'll take it to be 135. अगर मैं 8 जनों का देखती हूँ तो मैं अगर 10 10 बना लेती हूँ, उससे ज्यादा ज्यादा हो जाएगा. मैं 10 ब्रेकआउट रूम यहाँ पे क्रिएट करूंगी एंड ऑटोमेटिकली. सो सुरमा, मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज सुन ले ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं हो आपको. व्हेन आई विल मेक अ ब्रेकआउट रूम, आपके पास में एक मैसेज पॉपअप करेगा आपकी स्क्रीन पे, ज्वाइन ब्रेकआउट रूम, और हो सकता है उस पर कोई नंबर भी लिखा. आप उसको क्लिक करेंगी तो आप अपने आप एक ब्रेकआउट रूम में पहुंच जाएंगी. ये बिल्कुल इसी स्क्रीन की तरह है जैसे आपको सामने दिख रहा है. हो सकता है आप सबसे पहले पहुंच जाएं वहां पे क्योंकि आपने सबसे पहले क्लिक करा है. तो घबराना नहीं है बिकॉज पीपल आर कमिंग. तो जैसे आप अपना देख रहे हो स्क्रीन पे डब्बी 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 बनी हुई है, कैन यू सी दिस डब्बी डब्बी डब्बी. सिमिलरली ब्रेकआउट रूम के पीपल स्क्रीन के पीछे भी डब्बी 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 बनी हुई है. तो वो ब्रेकआउट रूम वन, आप समझ लो आपका एक बॉक्स एक कमरा है. सो ब्रेकआउट रूम वन, ब्रेकआउट रूम टू, ब्रेकआउट रूम थ्री, ब्रेकआउट रूम फोर. आपको सिर्फ क्लिक करके वहां जाना है. अब आपने करना क्या है वहां पे, सब लोग चले जाएंगे सिर्फ क्लिक करके. अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, फोन पे है, तो भी आप देखोगे ज्वाइन आएगा आराम से. टू जो राइट होता है ज्यादातर या लेफ्ट होता है, आप चले जाना. I will be, me and Shalini will be inside. Shalini, if you like to go hopping towards breakout room, she can do that. Lekin because I am a host of the program, मैं अगर किसी breakout room में बिना किसी और apparatus से log करती हुई गई तो वो उसकी recording रुक जाएगी. So I'll be outside so that we can record the conversation and help you people, right? So Divya, जब आपको joining का आएगा तो आप join करना. आप करना क्या है breakout room में ये समझिए. आप लोग वहां पे 8 से 10 जने होंगे. You will only take 1 minute each, घड़ी से देख के. एंड कहानी किससे नहीं करने हैं, मेरे को क्लाइंट नहीं मिलता, मुझे नहीं, हम वहां पे चैलेंज नहीं बता रहे हैं अभी. यहाँ पे आपने अपने बारे में बताना है, हु आई एम. सो जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे, मैं शालिनी बेरीवाल हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मैं पैकिंग करती हूँ, मेरा एवरेज कॉस्ट ये होता है. देन रुचि विल स्पीक, मैं रुचि हूँ, मैं ये करती हूँ तीसरा. और फिर आपने लास्ट में एक दूसरे को ये देखना है कि हाउ यू कैन क्रिएट. सो कैंडल पीपल कैन से कि ओके मैं कैंडल बनाती हूँ, अपना एड्रेस अपने नंबर एक्सचेंज करें आप लोग, जहां जहां पे आपको लगता है कि आप एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं. रेजिन वाले हैं, दे कैन कोलैबोरेट विद पीपल, पेंटिंग वाले हैं. अगर कोई भी जना 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको प्लीज रिक्वेस्ट करें कि यू हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने आप लोगों को पहले तो अनम्यूट कर दिया है, ठीक है. सो वंदना, अगर आप नहीं जाना चाहती हैं ब्रेकआउट रूम के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट स्टे पुट. अगर कोई ब्रेकआउट रूम में नहीं जाना चाहता तो यू जस्ट डोंट जॉइन, दैट्स इट. लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये नेटवर्किंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है. सो शर्मिली, सिर्फ ज्वाइन कर लेना, पहुंच जाना अंदर. कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए बिना देखे बिना जाने कि क्या हो रहा है. सो आई एम नॉट गेटिंग दिव्या, सो यू विल गेट इट नाउ. हाँ, सो शहनाज, जैसे आप इस वेबिनार में हैं बिल्कुल सिमिलरली ब्रेकआउट रूम में वैसे ही वहां होंगे, कुछ बदलने नहीं वाला है. सिर्फ यहाँ पर आप 135 लोगों के साथ में हैं, वहां पे आप सिर्फ 7-8 लोगों के साथ होंगी और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उनके बारे में जाने, अपने बारे में बताएं, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट द एंड देयर इज एवरी टाइम गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम, देयर इज एवरी टाइम गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम. सो ठीक है, नई चीज सीखनी है कि नहीं तो क्या फायदा है, नहीं तो क्या फायदा है. सो हम नई चीजें सीखेंगे. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट द ब्रेकआउट रूम नाउ. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट, आई हैव क्रिएटेड 10 ब्रेकआउट रूम्स, असाइन ऑटोमेटिकली एंड क्रिएट. अब ये रूम बन गए हैं, ओपन ऑल रूम्स. अब आपके पास में आएगा, देखिए आपके पास में ज्वाइनिंग की ऑप्शन आ रही होगी, जस्ट क्लिक, क्लिक देयर एंड गो. वंडरफुल, क्लिक देयर एंड गो टू द ब्रेकआउट रूम, क्लिक एंड गो टू द ब्रेकआउट रूम. डोंट बी स्केयर्ड एंड गो. स्टिल मैनी पीपल टू गो. रीना, ज्वाइन करें आप ब्रेकआउट रूम प्लीज. समबडी ज्वाइन ब्रेकआउट रूम 7. वर्षा, why don't you join breakout room? कुनल, सिल्विया, माया खंडेलवाल,
Why is everybody not joining the big breakout rooms? Ruchi, what are you doing here? You can unmute yourself. मैंने आपको unmute करने का दिया हुआ है. Swati, why are you not joining the breakout room? So almost 100 people are gone to breakout room. So breakout room में क्या होता है मैं आपको फिर बता दूं. Please आप लोगों को option आ रहा है. If anybody is having a problem, you can unmute and ask me. Okay. So people who are here, I can talk to you people. तो आप लोग भी अगर breakout room में जाना है तो मैसेज में लिखो कि मैं जा नहीं पा रही हूँ, आई कैन हेल्प यू. और अगर आपने नहीं जाना है तो इट्स ओके. ये हमारी लाइफ की चॉइस है, हम जाएं या ना जाएं, इट इज ऑल राइट. शालिनी, इफ यू वांट टू हॉप ऑन टू breakout room फ्रॉम 1 or 2 एंड मीट पीपल, यू कैन डू दैट, राइट? यू वांट टू गो. So I wanted to check out, but it's just giving me only one breakout room option, which is number 8. I was So not wanting to make people conscious because of me being there. So that's the reason I have. okay, so Sometimes, you know, you have people who become uncomfortable when they see the host there. Okay, so let's talk about industry rather, people who are here. So collaborations jo hain, Purnima, Anushree, aap log gaye nahi hai Kunal. So let me tell you one thing. Ki my whole life, I have grown my business with collaborations. Collaboration with food industry. Collaboration, अभी मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एक एक को लेके हम चल सकते हैं, because this is being recorded also and people who will see the recording will benefit from here, but I have some unassigned participants also. So let me assign it to them. So assign to, I'll just do that because there are new people coming in here. So please join in. तो अभी हम अगर देखें कि ओके, सो आई हैव असाइंड देम एंड रेस्ट ऑल ऑफ यू हैव नॉट गॉन. यहाँ पे स्किन केयर, सो दिव्या हैज बीन डूइंग स्किन केयर डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि जो घरों से स्किन केयर बनता है वो हर जना नहीं खरीदता, एम आई राइट? तो शी नीड्स टू डू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्रांडिंग. लेकिन जब मेहंदी के ऊपर स्पा हैम्पर्स बनते हैं तो उसमें फुट स्क्रब, फेस स्क्रब, इस तरह की चीजें जो है वो यूज होती हैं. रूम हैम्पर्स के अंदर भी बहुत सारे फेस के जो होम मेड चीजें हैं वो यूज होती हैं. दैट आलमंड का चूरा होता है वो यूज हो जाता है, एप्सम सॉल्ट से बने हुए फुट फुट सोक्स होते हैं वो होते हैं. सो उनके लिए भी एक इवेंट प्लानर्स एक अच्छा कनेक्ट है. पीपल हु स्पेशलाइज इन टू फेवर्स, they are good connect. Shalini, will you like to add anything to it or do I continue? Yeah, so I'm finding it very wonderful the way you are actually expanding the viewpoint for the people and the way people are able to see this thing. You're so right. Generally, hum isi thought mein reh jate hain ki pata nahi log hamara khareedenge nahi khareedenge because we are always in self-doubt. Hum kuch banate hain and then we only keep criticizing it ki humse kaun lega, itne sare bade bade brands hain. But I think I have seen a lot of people, especially for chocolates, especially for soap, jo aapne bola, they have actually grown with the help of, you know, makeup artist. Kitne sare makeup artist hain jo apni stories mein sirf yahi dal rahe hote hain, despite their makeup artist, they're still talking about the scrubs and they're showing it on their brides. Ki meri bride mere paas aayi, maine usko scrub kiya, aur dekho this is the difference. So if you are also, you know, would be bride, you can try this particular scrub. And they also provide the hampers and also for the mehndi, you know, when we go for mehndi function, you are always looking for something very feminine. But you always say ki kuch different chahiye, kuch unique chahiye, you know. And then people can't think of. So at that time, I think the combination of lip balm, a scrub, a foot scrub, stuff like that, I think really fascinates ladies. So it's a great idea, you know, for us to expand the business that way. So also, if you are into the space of celebration industry where you are gifting, you are doing gift packing, or you are, people are coming to you for hampers, people are coming to you for money packing, people are coming, so they are coming to you for wedding and wedding functions. वो आपके पास मेहंदी के लिए आ रहे हैं. तो ये जितने भी जने यहाँ पर हैं, calligrapher can make a personalized note. Though Shalini has a machine where the names are written, but each name is not possible. So if I want Shalini to be written, congratulations लिखा होगा, हल्दी मेहंदी लिखा होगा, but नाम नहीं है. So the calligrapher can also team up with the people into the wedding and a trousseau packers. So trousseau packers के लिए तो बहुत सारी जगह है जहां पे वो collaborate कर सकते हैं. अगर मैं देखूं zodiac candles and soap,
तो जोडियक कैंडल्स एंड सोप के लिए द बेस्ट पॉसिबल इज द बेबी अनाउंसमेंट पीपल ऑल्सो. जिस मंथ में बेबी पैदा हुआ वो उसका जोडियक साइन हो जाता है. द नाना नानी और अ पेरेंट्स कैन ऑल्सो जितने भी पर्सनलाइज गिफ्टिंग देनी है वो जोडियक कैंडल्स लेके अपने गेस्ट को भेज सकते हैं, प्रोवाइडेड दे नो. इमीडिएट फैमिली को तो कर ही सकते हैं. राइट ये होगा कि फैमिली विल से अरे इन्हें याद था कि मेरा बर्थडे और जाकर जो तो फेसबुक पे आजकल सब होता है वहां पे, एवरीथिंग इज देयर. सो अ जोडियक कैंडल कैन बी अ लवली एंड इफ दे पुट अप अ बूथ इनटू एनी ऑफ द वेडिंग फंक्शंस वेयर दे कीप जोडियक कैंडल्स द गेस्ट कैन कम एंड पिक अप दोस कैंडल्स फ्रॉम देयर. तो उनके लिए इवेंट प्लानर्स भी बहुत अच्छे कनेक्ट हैं, उनके लिए गिफ्ट पैकर्स भी बहुत अच्छे कनेक्ट हैं. सो दे कैन डू. तो मैम यहाँ से मैं ले रही हूँ सारे नाम. सो नाउ देयर वर पीपल हु वर डूइंग स्मॉल पेंटिंग्स. कल मेरे पास आपके ग्रुप में से किसी के फोटो आए थे. शी इज डूइंग नी ये जो पीपल की पत्ती का स्केलेटन बना के उसके ऊपर वो पेंटिंग कर रही थी. तो आई शोड दैट पेंटिंग टू वन ऑफ द लाइफ कोचेस एंड शी इमीडिएटली सेड कैन शी मेक स्विच वर्ड्स ऑन इट, कैन शी पेंट मंत्रास ऑन इट लाइक दो श्री मंत्र एंड ऑल. तो ये फ्रेम होकर एक गिफ्टिंग बन जाएगी, अ स्पिरिचुअल गिफ्टिंग. सो आई हैव कनेक्टेड देम टुगेदर. दिस गर्ल वॉज देयर इन माई गिफ्ट गुरु यू नो द स्ट्रेटेजी एंड द सिंपल सॉल्यूशन क्लास में थी. तो उसको इमीडिएटली वहां से उसको ऑर्डर ही आ गया, मींस उसको मिला दिया. दे विल टॉक एंड शी इज वेरी श्योर दैट शी इज गोइंग टू गिव देम अ बिजनेस. सो इस तरह से, नहीं तो हम कभी सोचेंगे कि मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ और एक लाइफ कोच मुझसे कोलैबोरेट करेगा. यू डोंट थिंक दैट वे, यू डोंट थिंक दैट वे. सो यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड हु कैन गिव यू बिजनेस. Somebody is writing on the chat. No. So let me check the status of the breakout rooms also once. I want my people to be comfortable. So many people still hasn't gone. I mean, assigning them more rooms. Ashima, please do go to the room. Then Monica. Okay. Now, supposingly you have any product or a service जिसके लिए आपको लगता है कि collaboration ऐसी पॉसिबल नहीं हो रही है कि मैं उन्हें बिजनेस दे सकूं, देन द ओनली वे इज अ मॉनेटरी गेन. उसके लिए कमीशन शब्द बहुत ही टैकी है और उसके लिए कमीशन में थोड़ा सा कई बार इंसल्टिंग हो सकता है. सो वी कॉल देम प्रीफर्ड प्राइजेस. वी कॉल देम विल यू अपसेल माय थिंग और आई विल यू विल बिकम माय पार्टनर इनटू इट. सो ऑल्सो लर्न द कॉर्पोरेट लैंग्वेज विद व्हाट यू विल टॉक टू पीपल. Any questions regarding this, please, you can ask me these questions by the time I'm assigning to other people also. Any question you have regarding this, agar aapka koi business hai aur aap janna chahte hain, you can unmute yourself and ask me. Right. In fact, I would also, sorry, please, yes, Smith. So I was just thinking, you know, you had really shared wonderful idea about the candles and I want to share one of my experience. So, you know, it's a great idea ki if you are into candles and Zodiac candles, you know, if you're not painting it, I would say agar koi event hai, you can simply, you know, assign a lot of candles over there of different shapes and probably keep Zodiac signs as a printed format, sticker ke format mein. You can just keep it like on the, you know, table and tell people it's a kind of a DIY, you know, where people can pick up one candle, put their Zodiac sign and, you know, the wrapping partner is also there and just wrap it and give it. Because people do have a fascination, jo log apne haath se banate hai na. As we have learned, Shalini ji, people don't spoil what they create themselves, you know. So people never spoil it. So if they are going to create the candle on their own, just that Zodiac sign, I think it will add a lot of value to that product and they will always tell someone, ye maine khud banaya tha. तेंजोर के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारे रस्ते आरती बने हुए हैं. सो वी हैव स्टूडेंट राखी गुप्ता इन हैदराबाद. विद तेंजोर शी मेक्स तुमड़ी, शी मेक्स लॉट ऑफ स्मॉल स्टिक, शी मेक्स सोन, शी मेक्स लॉट ऑफ स्टफ यूजिंग द सेम टेक्निक एंड डू द होल ट्रूजर्स ऑल्सो इन टू इट. तो वही आर्ट फॉर्म. सो सपोजिंगली यू नो मंडाला, यू नो एनी आर्ट फॉर्म,
सेम फॉर्म को आप कितने ऑब्जेक्ट्स पे यूज कर सकते हो सो दैट योर प्रोडक्ट लाइन बिकम्स वाइडर. द मोमेंट द प्रोडक्ट लाइन बिकम्स वाइडर द कस्टमर ऑल्सो रेंज बिकम्स वाइडर द कस्टमर इज वाइडर द होल होराइजन. सो वर्टिकल एंड हॉरिजोंटल बोथ वे यू ग्रो वेरी वेरी पावरफुली. या एंड इट्स वेरी नाइस. तो और एक और चीज आरती, अगर आपने नहीं आपको पता हो तो देयर आर कंपनीज हु आर सप्लाइंग तंजौर बेस्ड टोटल प्रोडक्ट लाइन टू द रीसेलर्स. तो अगर आपके पास में टीम है, अकेले नहीं कर रहे हो, तो आप पूरे पूरे प्रोडक्ट लाइन बना सकते हो और उन लोगों को भी दे सकते हो, क्योंकि वो खुद नहीं बना रहे हैं. दे आर नॉट डूइंग इट देमसेल्फ, दे आर यू नो गेटिंग इट डन फ्रॉम आर्टिजन्स एंड ऑल. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. आप उस तरह से भी कर सकते हैं कि मैंने बनवाया और फर्दर किसी को दे दिया, दिस कंपनी इज सेलिंग. मीन मैंने बी टू बी कोलेबोरेशन की, मैंने लिया और मैंने किसी को दिया जो उसको आगे बेचेगा. दिस वर्क लॉट मेनी थिंग्स. सो इन माई एंटायर करियर आई हैव वर्क बी टू सी, आई वर्क विद वेरी फ्यू पीपल बी टू बी, वाइल माई सन इज रियली फोकस्ड ऑन बी टू बी. तो जितने भी अपकमिंग पैकर्स हैं, जितने भी अपकमिंग लोग हैं, उनको वो बहुत सप्लाईज देता है, विच इन मैग्निफिसेंस वी नेवर थॉट सो. ही इज मेड अ होल प्लेटफॉर्म टू पुट मैन्युफैक्चरर्स एंड बायर टूगेदर विद नो कमीशन अटैच्ड. सो एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस टू डू दैट. सो मेरे को लग रहा है कि नाउ विल ओपन अप द ब्रेकआउट रूम्स. सो आई एम गोइंग टू गो टू ब्रेकआउट रूम एंड close all rooms. So it will take 60 seconds for all these people to come. Swati, you are here with this. Kaniz, Maya, is there is anything you people want to ask me? Again, I'll say joint venture and collaboration. One is on a physical self. Mean jahan pe manushya ke roop mein wo aage, lekin aapko pata hai social media collaborations. Means there are people with lot of followers. Shalini herself has almost 53,000 followers. There are, you know, the channels with 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh followers. Many of them paid, like you pay them something and then they, you know, speak about your product. Many of them collaborate on a social work also. Aise bahut sare channels wahan pe bhi hai to collaborate. You need to see what is best for your brand, not for a product, for your personal brand, what is good. Kyunki wahi work karega. Candle can be done in many ways. Aap bana rahe ho, aap le rahe ho, aap molds mein le rahe ho, aap usko extract bana rahe ho, aapki desi look hai, aapki western look hai, different hoega. To ye aapko decide karna hoga ki aapke liye collaborative partner कौन होगा. यू नीड टू टेल मी. हाँ जी, सो वी हैव मोस्टली ऑल द पीपल बैक हियर. इट वाज अ वेरी लेस टाइम. वन मिनट. आई विल रिमूव स्पॉटलाइट फ्रॉम अस. पहले जस्ट 1 मिनट गिव मी सो दैट वी कैन हैव यू पीपल ऑन द स्पॉटलाइट. लेट मी रिमूव माई सेल्फ ऑल्सो. एंड ओके, सो हु विल लाइक टू शेयर? प्लीज रेज योर हैंड. हु विल लाइक टू शेयर? हाउ वॉज इट? जो जिसका फोटो दिख रहा होगा मैं उसको बुला सकती हूँ. तो अविरल वांट्स टू शेयर कि हाउ इट हैज बीन फॉर हर. अमेजिंग इंसिडेंट सुनने हमने. यस अविरल, हाँ जी, कैसा रहा? गुड मॉर्निंग मैम. यस मैम, इट वाज वेरी 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. दैट आई इट जस्ट हेल्प मी टू कनेक्ट ऑल द पर्सन. दे आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स. दे आर मेकिंग choki, they are making paper craft, they are making different paintings. I am making tea lights and torans, but others are making different kind of products, so they I can connect, I can collaborate with them. So it's very helpful ma'am, thank you so much. Wonderful. So wonderful. The show abhi khatam nahi hua hai, show to abhi shuru hua hai. So be with us. Who else will like to share? One. So only pictures on, only pictures on. Rajni, please, 1 minute. So please be on the mute. People on the, so Tripta would like to share. If I can see your hand, I can call you. It's absolutely precious for the people who are. So Tripta, you will have to mute, unmute yourself. Yeah. Wow. Yes. Yes, Tripta. 1 मिनट रुको तृप्ता. मैं ना पहले सबको ना म्यूट करने लगी हूँ. आई हैव म्यूटेड एवरीबॉडी. नाउ यू अनम्यूट योरसेल्फ. या
अनम्यूट करो वापस। हाँ मैम, इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तीन लोग, मतलब हम लोग तीन लोग तो एक दूसरे को जानते थे, बट देयर वर सेवन पीपल हु वर न्यू। तो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की, अलग अलग शहर से लोग थे एंड क्या क्या काम चल रहा है। देयर वर सम पीपल हु वर न्यू, जो इस कोर्स के लिए थोड़ा उनको नहीं पता था कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो मैम नॉलेज एक्सचेंज हुई। मेन चीज था कि हम अननोन लोगों से क्या नाम है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे इंटरेक्ट किए विदाउट एनी जो फियर होता है, एक हिच होती है कि हम कैसे बात करेंगे, उसको हम ओवरकम कर पाए मैम। Wonderful. Thank you, Tripta. So Shivani wants to speak. Let me have Shivani on the spotlight. Thank you so much. Yes, Shivani, I'm going to unmute you. Please, apne aapko unmute karein aap. Yes, Shivani. Ma'am, it was a nice experience. मुझे उस रूम में एक अपने पानीपत की भी लेडी मिली जिनके पेरेंट्स पानीपत में रहते थे, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगा कि अपने साथ के भी लोग मिले, कुछ नए लोगों से भी कनेक्शन करने के लिए मिला, बहुत कुछ जानने के लिए मिला कि इस इंडस्ट्री में अभी लोग कितना कितना कुछ कर रहे हैं। बहुत सी नई नई टेक्निक्स होती हैं जो बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में लोग अलग अलग वर्क कर रहे हैं। सो इट्स वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, दैट वॉज अ फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड इट वॉज अ नाइस experience. Thank you. So before I go ahead, there is a genuine complaint ki bhai hua to hum dekhte hain emotionally. So Kuntal is saying ki mera kisi se koi interaction nahi hua, sab log bade shaharon se tha aur they considered me like from rural part. So people who were there with Kuntal, did you think that she's from the rural part? I think she's a very, very bright girl. I know her from the last 4 years. So Kuntal, I want to tell you something. Today, rural India is the most powerful space to be. I want to shift to rural India to grow my business. आप कहोगे शालिनी क्या बोल रही है? Now look at what I'm trying to tell you here. मैं पैकिंग सिखाती हूँ, Zoom पे सिखा रही हूँ, कहीं से भी सिखा सकती हूँ, कहीं से भी. I have teachers with me. Manisha is here right now. Manisha is already here. हाँ, Manisha है, Dolly है, Sumita है, I already have coaches with me. Now Delhi में चीजें महंगी है, लेबर महंगा है, कारीगर नहीं मिलता है, स्टॉकिंग प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी. इफ आई मूव टू अ रूरल एरिया एंड टीच ऑन जूम एंड क्रिएट माय वर्कशॉप देयर, आई विल अर्न 20-25% मोर. मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगी. सो कुंतल, आप तो लोगों को ये बोलो कि भाई तेरी फैक्ट्री मैं लगा लेती हूँ मेरे शहर, मेरे छोटे शहर में मैं तेरी फैक्ट्री लगा लेती हूँ, तुझे मैं जो 100 रुपए में बनाने को पड़ेगा मैं 25 रुपए में बना के दे दूंगी. तुम्हारी तो पिच ये होनी चाहिए कि मैं बनाऊं और तुम बेचो, तुम्हें बनाने की जरूरत क्या है भाई? तेरे पास कस्टमर है बड़े शहर में ज्यादा, मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग है, किस चीज का डर है? हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? गाइज, इन द मॉर्निंग आई हैड पुट अ वॉइस नोट इन द ग्रुप. हाउ मेनी ऑफ यू रेड इट, हर्ड इट रादर? How many of you heard it? Learn to be in the game. How can my situation help you me to grow further? Nothing else. Mehak is saying mera specialization hai shadow boxes. Yes, Mehak hai. Koi keh raha hai ki mujhe bolne ka mauka hi nahi mila tha aaj. Koi baat nahi. And confidently, because I'm self-made, wonderful. So we all, मुझे meeting leave करनी होगी, कोई बात नहीं. तो रुचि, you can leave the meeting. No issues over here. तो What I'm trying to tell you here is, do you love? हम क्या करेंगे, हम session को end करने से पहले एक breakout room और कर सकते हैं जो करना चाहते हैं. Means हमने जितना time commitment दिया है उतने time commitment में जो हमारा agenda है उसको पूरा कर लें, right? उसके बाद में जो लोग दोबारा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं हम एक breakout room और कर देंगे, ठीक है? शिफाली says, let me speak. डर गई शिफाली मैं, बिल्कुल. So please unmute yourself. Yes शिफाली, unmute yourself. Yes, tell me. गुड आफ्टरनून मैम. मैंने आपका एक सेशन पहले भी देखा था और आज मैंने अभी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया और मुझे रूम नंबर 9 में एंट्री मिली, मगर बोलने का मौका नहीं मिला. आपने पहले ये बोला था कि जैसे हम हैम्पर्स बनाते हैं तो जो हैम्पर्स में प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं तो अगर आप वो बनाते हैं तो आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं. तो मेरा कुकिंग में स्पेशलाइजेशन है, मैं लोग बहुत तारीफ करते हैं, मगर अभी तक मैं नेबर्स को या रिलेटिव्स को तो भिजवाती हूँ,
स्वीट्स वगैरह, मगर मैंने उसको एज अ बिजनेस कभी सोचा नहीं था। पर जब आपसे आपने आपकी एक वर्कशॉप में मैंने सुना, तब मुझे आइडिया मिला कि क्या मैं भी लोगों के साथ जुड़कर हैम्पर्स में हेल्प कर सकती हूँ, तो कुछ आप कौन से फूड शहर वगैरह। में हैं शेफाली, व्हाट सिटी आर यू इन? इंदौर, इंदौर में हूँ मैं। इंदौर में है, तो चलिए मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ कि आप यहाँ पर आई हैं। सो हमारे पास इंदौर के और भी लोग हैं, अगर वो कोई ऐसा फूड बना रहे हो आप जो कुरियर हो सकता है, तो ये जितने लोग सामने हैं ये सब आपके क्लाइंट हैं, जितने आपको सामने दिख रहे हैं ये सारे आपके क्लाइंट हैं। अगर आप कुरियर कर सकती हैं, इंदौर से बहुत सारा नमकीन ऑलरेडी इंडिया के सब हिस्सों में जा रहा है, दैट्स वन। अगर आपका पेरिशेबल आइटम है तो सिर्फ गिफ्टिंग हो सकता है, तो इंदौर के लोग ही आपके बायर बनेंगे। आप अपना चूज करिए कि आपको कौन से लोग, इंदौर में सिर्फ काम करना है कि आपने नमकीन बना के पूरी जगह से करना है। ये देखो मनमीत आ गई है, आई एम फ्रॉम इंदौर, सो मनमीत यू कैन शेयर योर नंबर। ये देखिए आपके लिए शेफाली दूसरा आ गया यहाँ पे, लुक एट दिस, कैन वी ऑल अप्लॉज, द बिजनेस इज हैपनिंग राइट हियर, कैन वी ऑल अप्लॉज। ये देखिए यहाँ पर, तो हरप्रीत इज सेइंग शेयर योर नंबर, मनमीत इज सेइंग आई एम फ्रॉम इंदौर, अविरल इज सेइंग मैं भी क्रैकर चॉकलेट बनाती हूँ और अब मैं क्रिसमस चॉकलेट बनाती हूँ। लो जी सारे फूड वाले आ गए, सारे नंबर। दिस इज हाउ बिजनेस इज क्रिएटेड इन मिनट्स, लेट मी टेल यू। ये देखो आई एम फ्रॉम नियर वंदना श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम नियर इंदौर, सो यू हैव अ कस्टमर, टेक डाउन देयर नंबर्स प्लीज, ऑल ऑफ यू हु वांट्स टू कलेबरेट विद आर फूड स्पेशलिस्ट शेफाली, आप जल्दी से करें, उनका खाना पीना टेस्ट करें, फ्री में मिलता है खाना टेस्ट करने को, तो बड़े मजे आते हैं, मेरे पास बहुत सारा खाना आता है, एंजॉय थॉरली। ठीक है, आप उन सबको लें और वहां पर करें। आर यू गेटिंग हाउ यू आर गेटिंग बिजनेस, आर यू गेटिंग हाउ यू आर गेटिंग बिजनेस, हैज इट एडेड एनी वैल्यू टू यू पीपल, आर यू गेटिंग वैल्यू, आर यू गेटिंग वैल्यू, राइट? तो यहाँ पर मैं आपके साथ में, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ओनली वन बिजनेस, हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग ओनली वन बिजनेस, सो लेट मी हैव शालिनी जी ऑन, ओके नन ऑफ इज स्पॉटलाइटेड हियर राइट नाउ, हाउ मेनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ बिजनेस राइट? तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो आई एम गोइंग टू, शेफाली का भी नंबर आ गया, पीपल कैन टेक शेफालीज नंबर इफ दे वांट टू कलेबरेट विद हर फॉर फूड। सो बिफोर वी विल गो टू अनदर ब्रेकआउट रूम और टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, सो टू थिंग्स आई एम गोइंग टू डू इज, वन शालिनी लेट मी आस्क यू टू अनम्यूट प्लीज, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, इफ यू वॉन्ट टू ऑफर एनीबडी समथिंग लाइक दिस, दे वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट, कैन यू लाइक गिव देम सम काइंड ऑफ अ टाइम और वेयर टू रीच यू ऑन द इंस्टाग्राम, कैन दे डू इट ऑन योर इंस्टाग्राम और समथिंग लाइक दैट? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी इज वार्मली वेलकम। इफ यू नीड एनी हेल्प एंड इफ यू थिंक दैट वी कैन ऐड वैल्यू टू इट, आई एम श्योर शालिनी जी हैज गिवन इनफ। बट स्टिल यू नो इफ यू हैव दैट कन्विक्शन, सो वी हैव मल्टीपल वेज। फर्स्ट इज इंस्टाग्राम, विच इज क्राफ्टर्स कॉर्नर इंडिया। यू कैन सिंपली चेक अस ऑन इंस्टाग्राम, क्राफ्टर्स कॉर्नर इंडिया, एंड यू कैन डीएम अस फॉर एनीथिंग। अदरवाइज आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ द नंबर्स विच इज अ कस्टमर केयर नंबर, एंड यू विल गेट द इंस्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। दिस इज द नंबर विच आई हैव टाइप्ड, इट्स 7678162229। So I'm repeating the number 7678162229. So if you guys are looking forward any kind of training, any kind of startup, if you want to understand how to get into the crafting business, how can crafting business help me in my existing business? So I'll be very, very happy to take you know, through the journey. You can get in touch. We can also do some personal meetings, which I always prefer, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। So I always prefer if you guys can come down and we can sit together and create a lot of things, because it's a touch and feel experience So what you get. तो अगर आप मैप के इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आप देखोगे कि हमारे स्टूडेंट गए थे एट क्राफ्टर्स कॉर्नर ऑफिस एंड दे डिड लॉट ऑफ क्राफ्टिंग ओवर देयर एंड हैड वंडरफुल इनसाइट देयर। तो आप अगर वहां पे भी जाके देखो तो, एंड यू कैन, कस्टमर केयर का नंबर भी उन्होंने दिया है, शी हैज स्पोकन इट आउट एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन द यूट्यूब ऑल्सो ऑन मैप अकेडमी, यू कैन रीविजिट द वीडियो एंड हर नंबर वुड बी देयर, एंड इफ एनीबडी इज नॉट गेटिंग यू कैन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन मैसेज। और ये ना ओपन फोरम नहीं था, लाइक यू पीपल आर आइदर फ्रॉम माई कम्युनिटी और फ्रॉम शालिनीज कम्युनिटी, दिस हैज नॉट बिन गिवन टू ऑल द पीपल राइट? तो एंड शुभा सेज हाउ कैन वी डू अ पर्सनल मीटिंग विद यू शालिनी मैम, आपने ऑफर की है पर्सनल मीटिंग, आप बताइए, मैं नहीं ऑफर कर रही। ओके, नो सो पर्सनल एज इन इट्स अ ग्रुप मीटिंग एंड वी वेलकम पीपल, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट देयर जर्नी एंड दे नीड सम काइंड ऑफ टाइम, सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग, सो वी आर ओपन टू दैट।
सो द कस्टमर केयर नंबर इज द सेम नंबर, आप उस पर मैसेज कीजिए एंड फ्रॉम देयर ओनली इधर आई विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम यू विद यू और माई टीम. सो डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू. So, okay. So, thank you so much. And there's another offer from Mapstable. And I'm just sharing you this link here. So, मैंने freeze कर दिया है. This is a WhatsApp group link. Please don't join this again. अगर already आप मेरी community से हैं, अगर आप already कोई group में हैं, you don't need to join. This is only for people who have joined us for the first time or who is not into any of the community. So, we will do a webinar for you, where we will teach you how the collaboration between the gift packaging. So the core is going to be the gift packaging and the other industry like crafting, like candles or anything. How being in the gift packaging industry is going to help you. So this is what we are going to do, an hour webinar with limited people. So, or agar aap iske andar apne kisi friends ko, professionals ko bula sake, jo already फूड में हो या दो ऑलरेडी किसी प्रकार के फेवर्स बना रहे हो, गिफ्टिंग कर रहे हो, कैंडल्स हैं, सोप्स हैं, एनीथिंग अंडर द सन विच इज फॉर सेलिब्रेशन इंडस्ट्री, उनके लिए ये ग्रुप है. सो क्योंकि मैंने फ्रीज किया हुआ है चैट, आई एम गिविंग यू अ मिनट एंड देन लेट्स हियर फ्रॉम सम ऑफ यू व्हाट यू नीड टू, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट. सो यहाँ पे हम जाते हैं. तो आई एम गोइंग टू शेयर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हियर ऑफ अ वेरी यंग कॉलेज स्टूडेंट सहज. सहज, आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट यू बच्चा. सहज हैज बीन अ वेरी एविड क्राफ्टर. सहज प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को. एंड सहज वेलकम बच्चा. यू ऑलरेडी स्पोक ऑन क्राफ्टर्स कॉर्नर वेबिनार रिगार्डिंग हाउ यू आर कोलैबोरेटिंग, हाउ यू हैव कोलैबोरेटेड पैकिंग एंड क्राफ्टिंग. Yes, ma'am. And it is giving you a lot of money, right? Yes, ma'am. And she has taken this collaboration another step forward. This smart girl is a marketing guru. So what have you done, Sahaj, which is giving your Instagram with this collaboration a new life? Ma'am, I'm making reels and I'm collaborating with Map, which has given a lot of followers and a lot of inquiries at the same time. So आप इन्हें ये बताएं कि इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप कोलैबोरेशंस करते हैं तो कैसे बेनिफिट होता है, ताकि वो कंज्यूमर के माइंड से सुने, नॉट फ्रॉम द ट्रेनर. कि यू थॉट वी अनाउंस्ड कि आप कोलैबोरेट, हम तो सबको बोलते हैं कोलैबोरेट करो, बट यू हैव रियली डन इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. एवरी ऑल्टरनेट डे यू आर सेंडिंग अ मी. हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया? मैम, बिकॉज़ मतलब बीइंग ऑन द सोशल मीडिया, आप हर चीज रेगुलर, हम रोज यूज करते हैं इंस्टाग्राम एंड यू नो, और अकाउंट भी मेरा प्रोफेशनल है, विच गिव्स मी इनसाइट कि कस्टमर इतने बजे से इतने बजे मेजरली यूज करता है. तो टू इंटरैक्ट विद देम, जैसे आप लाइव सेशंस करते हो इंस्टाग्राम पे, आई थॉट आई विल डू रील्स टू इंटरैक्ट विद द पीपल. एंड यू हैव बेनिफिटेड, राइट? सो टू कोलैबोरेशन सहज डिड. वन इज Truzo packaging, yani gift packaging with crafting. She was an avid crafter. And Sahaj works with street children. Bahut sikhati hai. Can we all applaud for her? Ki itni chote si ladki ne, she's used marketing strategy so powerfully. So aapne, this is another kind of collaboration. Aapko humne jo pehle collaboration ki baat ki, wo product collaboration thi. And product ke through aap collaborate kar rahe hain. Now this collaboration is a business development collaboration. How many of you want to have a business development collaboration? Customer nahi aa raha, right? Customer nahi aa raha. So she has done it and she's growing. And I can't say no. Map students ke liye to Map ka platform hamesha rehta hai wahan pe. Now another way of growing into the same field is, I'll call Map coach Manisha here. How she took the life forward. Manisha, please unmute karo apne aap ko. Manisha, unmute karo. You are not unmute, right? So, kariye, ho jayenge aap. Yeah. Hi, everybody. Hi. So, Manisha, you could have done packing bhi karti hai aap.
और आप कोचिंग कर रही हैं, आपने और कोई लाइन क्यों नहीं, आपने ये क्यों सोचा कि मैं ऐसे कोलैबोरेशन करूं कि मैं कोच बन जाऊं? व्हाट मेड यू डू दैट? गाइस यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत अलग अलग ढंग से आप लोगों से कोलैबोरेट और जॉइंट वेंचर कर सकते हैं. यू नीड टू शेयर. आप इसके बाद मैं आपसे आइडियाज पूछूंगी कि आप कैसे कर रहे हो. हाँ जी. I met Shalini ma'am in 2012. उससे पहले I was a creative mind. I have a creative mind. Ma'am से मिली. उसके बाद I did my course. After that, I became a coach here and giving something to students, sharing your creativity with other people is a like एक कहते हैं ना प्यासे को पानी मिलने वाली बात होती है. उसके बाद मैंने I tried with Shalini Mittal also with her craft. And after that, I found that like packaging and crafting are two diff like they are two road sides on which we are traveling. और अगर हम इन दो roads, दो ends को एक साथ travel करते हैं उसके ऊपर, तो it's like हम अपनी गाड़ी कितनी भी तेज चला सकते हैं उसके ऊपर. सो ब्यूटीफुल. एंड मनीषा, उसके साथ में आपने सिर्फ पेपर क्राफ्टिंग नहीं, आपने बहुत सारे फ्लावर्स बनाने हाँ जी और उनसे शालिनी जी से काफी कुछ सीखा आपने उससे रिलेटेड में. एंड थैंक यू मनीषा फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टूडेंट. इट नीड्स लॉट ऑफ करेज एंड थैंक यू यू आर अ मैम. प्रोफेशनल पैकर. एंड आपको मैं सबको ये बताना चाहूंगी यहाँ पे, इट इज नॉट ईजी टू बिकम अ मैप कोच. फॉर मैप कोच आफ्टर डूइंग द प्रोफेशनल कोर्स विदाउट बीइंग पेड, कोई एक पैसा आपको नहीं मिलता है, आपको तकरीबन साल भर ट्रेनिंग करनी पड़ती है. मेरे अंदर बहुत कड़क हूं मैं. जिस समय आप बिल्कुल अपने अहम को खत्म कर देती हैं, जिस समय आप बिल्कुल उस स्पेस में आ जाती कि मेरा जो कुछ है वो स्टूडेंट का है, नंबर 1. सेकेंडली, आपका खुद का बिजनेस प्रॉफिट में होना चाहिए. कोई भी ट्रेनर अगर उसका खुद का बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, उसे खुद नहीं पता कि आप उसके बिजनेस के अप्स एंड डाउन्स क्या है, वो कैसे सिखा सकता है? वो सिखा ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है. गिफ्ट पैकिंग सीखना मुश्किल नहीं है, सीख लोगे. गिफ्ट पैकेजिंग के बिजनेस को रन करना मुश्किल है. शालिनी, जब मैंने देखा वो कट कर रही है, आई थिंक कटिंग इज अ वन सिंपल पार्ट, बट द वे शी पुट्स 5 एलिमेंट्स टुगेदर एंड देन क्रिएट अ डिजाइन, देन द सेम 5 एलिमेंट्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, देन क्रिएट अ डिजाइन, देन शी टेक्स आउट 2 फ्रॉम देयर, एड 1 फ्रॉम हियर, एंड देन शी क्रिएट्स अनदर डिजाइन. दैट इज वॉट द डिजाइनिंग इज. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? सो आई एम गोइंग टू ओपन अप द चैट. आई होप एवरीबडी ऑफ यू हु वॉन्ट्स टू बी इन द ग्रुप वेयर वी आर गोइंग टू टीच अबाउट कि हाउ गिफ्ट पैकेजिंग इंडस्ट्री कैन बी द मदर ऑफ ऑल क्राफ्ट इज गोइंग टू बी देयर. सो आई एम गोइंग टू open up the chat so that I can listen to you people. Okay, now you all can chat with me. So yahan pe great. Anybody else wants to share their experience right now here where you have collaborated with somebody? Then I'll open up. I'll bring Shalini ji in. Anybody wants to share anything? See, I'm seeing very few people. So either you need to use the chat if you want to say something. Okay. So Shalini, I'm just getting you on board. So this is Shalini ji, come. Haan ji Shalini, and you can unmute yourself. Now I can. Yeah, perfect. Yeah, see. So Shalini, as a concluding remark to today's session, because we are already 1 hour plus, and if they all want to have another breakout room, so we'll conclude and let them have a good time together. Sure. So what would you like to say? So I'll say that this has been really a great experience, I'm sure, for everyone. Because kabhi kabhi aap apni problems kisi ke saath discuss nahi kar paate, ya aap shayad networking ke liye khud se itna first step nahi le paate. But I think for people, those who had all these apprehensions, this would have been a great experience for them. Kyunki aapko ek achha curate kiya hua platform mila, jahan pe people could meet like-minded people. And you know, they could encourage ki, achha, theek hai, aap ye karte ho. अब हम ये करते हैं, चलो लेट्स कोलैबोरेट टुगेदर, हम भी कुछ ऐसा करते हैं. सो यू नो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल वेयर दे कुड शेयर देयर आइडियाज एंड ऑल्सो यू नो हेल्प ग्रोइंग ईच अदर्स बिजनेस रादर देन जस्ट थिंकिंग कि जो वो कर रहा है वो मैं कर लूँ. यू नो योर एज यू राइटली सेड, यहाँ पे एक दूसरे को लोग कम नहीं करते हैं या एक दूसरे को लोग लेने की कोशिश नहीं करते, इनफैक्ट देने की कोशिश करते हैं. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इवेंट हैज बीन ग्रेट एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड इट्स ग्रेट. I think everybody is saying कि they want to have one more breakout room. उसी से सब पता चल जाता है
that you know how much they are happy about it. So asking for more is you know one good signal for you ki haan bhi people are very happy about it. And apart from this, I really want to say this thing not from the event and not from any perspective, but I want to say this thing from the bottom of my heart that it takes a lot of courage to get people on a platform where you just get all your connects, all your contacts, all your students, everyone, you know, at one place. Because I know as a human being, everybody runs through a lot of insecurities. I'm glad that I'm working with a person, you know, who doesn't really come from that kind of background. And it's really beneficial to everyone. Aapne bilkul sahi bola ki ultimately this collaboration should be beneficial, not to both of us, but should be beneficial to the people who are attending. So I really congratulate everybody, those who could make it out of this event, you know, and could take the maximum out of it. And I would encourage everyone to really be with Shalini ji. Unke bahut sare guru mantra aate rehte hain. Even I keep attending a lot. So there's no end to learning. And I'm so happy, inspired, seeing people yahan pe kitne sare log kitna acha business khud se kar rahe hain. This is really nice. बहुत सारे आइडियाज इवन आई हैव टेकन, मैंने भी अपना आज बहुत सारा यहाँ से ज्ञान लिया है विच आई हैव लर्न फ्रॉम यू गाइस कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं. वी बोथ शालिनीज आर ओपन यू नो आई थिंक राइट वी बोथ हैव अ नेटवर्क प्रॉब्लम सो शालिनी यू सीम्स टू बी हैविंग अ नेटवर्क इशू रियली इज इट ओके नाउ शुड आई स्विच इट और इज इट हाँ मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा नेटवर्क और इट मे बी माइन आल्सो कैन यू ऑल हियर शालिनी कैन यू ऑल हियर शालिनी ओके ओके दे कैन हियर यू या या परफेक्ट सो बोथ शालिनीज वी इनवाइट ऑल ऑफ यू यू नो टू कम एंड जॉइन मोर सच इवेंट्स विद अस यू नो सो दैट यू कैन जस्ट टेक समथिंग विद यू व्हिच एड्स वैल्यू टू योर बिजनेस एंड आज शालिनी जी सेड शी इज ऑफरिंग सम ब्यूटीफुल गुरु मंत्रास गुरु क्लासेस गिफ्टिंग सॉल्यूशंस I would encourage everyone to, if you have not signed up for that, make sure that you sign up. And from our side also, we are very happy to do anything for you guys. If you have any requirements of, you know, learning more about crafting and joining crafting with all your gift packaging. So the offer is open to all the Mapians here. That's what you call, right? Aap Mapians hi bolte hai na? I love that, by the way. Mapians is a good name. Jab se aapne Mapian bolna shuru kiya na, main tab se soch rahi hu kya bolu, main CCN bolu. Bada ajeeb sa lagta hai. So I was thinking ki mujhe kya naam dena chahiye, to shayad main logon se puchungi. Generally I call them my partners only. But yeah, it's been wonderful. And I think we also want to invite people for, is it open for tomorrow? No. Tomorrow is not an open class for everyone, right? Where no, no, no. No? Okay. So if you are not in this group, you are missing something. So what she's saying is ki tomorrow we have a session on boxes for professionals. Very few students are going to be there. Very, very few. Jinke liye sirf hum boxes ka class lenge. That's it. So ye ek closed student class hai, where you are going to be there for about 45 minutes to 1 hour. Okay. And where we are going to give them the basics of boxes and the different materials and usage, and then you are going to give your inputs, the tools you use, which they can use at home, because hum jo karate hain bulk selling ke hisab se karigaron ki zarurat hoti hai, and your inputs is going to make it more easier for them when they are doing one or two pieces or maybe 10-12, or they train somebody to do the bulk out of it. So we'll be doing that tomorrow. Correct. So thank you so once again. Thank you, Shalini. Thank you so very much. Thank you, Ji. Thank you so much. So before we move to another of you know breakout room, I want to invite all of you. Before Diwali, we were doing this networking event every week. How many of you want to do? Or focus alag alag hota tha. So we did a networking event with food people. We did networking event with lifestyle product. So jo bhi stakeholders hote hain in the wedding industry, we do networking event for them. Lekin kisi bhi event ka successful hona kis pe hai, jahan pe bahut zyada log aaye ki kam log aaye, kis pe hai? Jaldi se batao zyada log aaye, theek hai na? Jahan pe zyada, you can use the chat talk. So jahan pe aapko zyada log aaye, aur wo bhi zyada log diverse fields se aaye, jaise Shalini ne bola कि बहुत हिम्मत चाहिए आपको किसी को भी लेके आने का प्लेटफॉर्म को, बहुत हिम्मत नहीं चाहिए, एक गड़ी और ओपन सोच चाहिए ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, दैट्स इट. तो आप ये सोचो, हमारी एक स्टूडेंट है डॉली, वो अभी है नहीं, शी इज गॉन टू द वेडिंग, आई वुड हैव कॉल्ड हर. मैंने उनको नेटवर्किंग इवेंट के लिए बोलते थे, हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि 10 पीपल को यू गेट somebody from fashion, makeup, mehndi, jewelry, जो भी वेडिंग के स्टेक होल्डर्स हैं. अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ,
कि आपने किसी भी इंडिया में या दुनिया में किसी भी शहर से, क्योंकि सारी चीजें फ्लैट हो गई हैं, कोई 10 प्रोफेशनल्स को बुलाया जो कि किसी ना किसी रूप से वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, राइट? वो आपके फ्रेंड्स हैं, वो एक नेटवर्किंग इवेंट में आते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी सर्विसेज को बिजनेस मिलता है। वो आपको मानेंगे, वो आपको थैंक यू करेंगे कि नहीं करेंगे, विल दे डू और नॉट, विल यू बिकम अ फ्रेंड और नॉट, राइट? डॉली इंट्रोड्यूस्ड अस टू गॉरमे पीपल, बहुत लोगों को वो जिनको नहीं जानती थी आगे से आगे बुलाकर वो लेकर आई। जिस समय इन फूड वालों के पास बिजनेस आया पैकिंग वगैरह का, तो उन्होंने वो सारा बिजनेस डॉली को दिया। जिनको भी वो दोस्तों को लेकर आई, दोस्त नहीं भी थे, दोस्तों के दोस्त, दोस्तों के दोस्त, उनको आगे के आगे लेकर आई। और ऐसा वो सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि मेरी लाइफ के अंदर मैंने जिसको भी कहीं पे भी बिजनेस रेफरेंस दी या कुछ दिलाया, पीपल हैव गिवन मी लॉट ऑफ बिजनेस। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ कम्युनिटी अराउंड यू, लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो मौका देख रहे हो आपको बिजनेस देने का? चाहते हैं आप चाहते हो ऐसा? और नो, टेल मी इफ यू वॉन्ट दैट। सो वी आर गोइंग टू अनाउंस आर नेक्स्ट नेटवर्किंग सेशन नेक्स्ट वीक, ओके? सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू इनवाइट, सिर्फ इनवाइट नहीं करना है, उन्हें लेके आना है। एंड वी आर गोइंग टू चूज द मोस्ट, मतलब एक नाम दूंगी अच्छा सा, द मोस्ट डायनेमिक नेटवर्कर हम में से, एंड फ्रॉम द मैप साइड वी विल ऑफर देम अ सिलेक्शन ऑफ द क्लास विच दैट नेटवर्कर विल चूज कि मुझे ये सेशन चाहिए, एंड विल गिव देम दैट फॉर फ्री, नॉट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एन एप्रिसिएशन रिवॉर्ड फॉर हर। शी वेंट आउट ऑफ द बाय, और उसमें सीखेंगी क्या आप? मैं आपको बताऊं क्या क्या सीखोगे? चैट यूज करो। अगर आपने किसी 10 जनों को फोन किया कि तुम इस नेटवर्किंग इवेंट में आओ, वेडिंग के स्टेक होल्डर होने चाहिए जो शादियों के लिए उसको बिजनेस मिल सकता है, तो आप मुझे बताओ आप क्या क्या सीखोगे उसमें? व्हाट विल यू गेन? पुट इट ऑन द चैट, व्हाट विल यू गेन? अपना स्वार्थ देखो, क्या गेन करोगे बताएंगे आप मेरे को? कुछ नहीं, नो बडी इज राइटिंग एनीथिंग, नो बडी नोज, यू डोंट नो व्हाट यू विल गेन। ज्योति सेइंग समथिंग, ओ सॉरी ज्योति, मैंने तो हटा दिया था। अब देखिए प्लीज, या यू कैन राइट, यू विल गेट बिजनेस, मोर देन द बिजनेस, मोर देन द बिजनेस देर इज समथिंग एल्स यू विल गेट, मोर देन द बिजनेस यू विल गेट समथिंग एल्स, रिलेशंस, कम्युनिकेशन, शालिनी सेज यस, कॉन्टैक्ट्स यस। नंबर वन, नाउ जस्ट इमेजिन इट्स यू एंड देर आर 10 पीपल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने इस व्यक्ति को बोला भाई तू इस नेटवर्किंग में आएगा तो तेरे को यहाँ पर कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आपको सिर्फ ये एक बंदा मिल रहा है कि इसका सारा होराइजन मिल रहा है? आर यू गेटिंग ओनली वन पर्सन और द कनेक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन? यू आर गेटिंग द कनेक्टिविटी ऑफ दैट पर्सन। सो विद 10 पीपल यू गेट हंड्रेड ऑफ पीपल हु विल नो यू, यू विल लर्न लीडरशिप, यू विल लर्न कम्युनिकेशन। आपने किसी को बोला वो नहीं आया तो अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, मेरी कम्युनिकेशन में क्या कमी थी कि मैं उसे इंस्पायर नहीं कर पाई, कि मैं उसे समझा नहीं पाई अपनी बात? तो सोचो, ये जब सीखोगे तो सबसे बड़ी बात पता है क्या मिलेगी? घर पे बोलोगे ना मैंने आज रेस्टोरेंट खाना खाने जाना, फट से ले जाएंगे मुझे शॉपिंग करने ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको तो कम्युनिकेशन आती है, आपको तो अब लीडरशिप आती है, आप सबको इंस्पायर करोगे कि वो आपको शॉपिंग करा दें, आप सबको इंस्पायर करोगे कि वो आपको ले जाए। सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल एंड यू आर गोइंग टू लर्न इट ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द एरिना में सीखोगे आप। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस? To win the prize, and it is open to all of you, you will need to give us, once they come, 10 names and numbers, ki, okay, these people are here, we'll check with them. If they are here in the networking event, you win the prize. Theek hai ji? So Kuntal says, I want to learn communication. Love you, Kuntal. Mera bachcha hai tu to. And from so many years, we are together. Yes. Theek hai? Done? Done? So I'm opening up for question answers, and then we'll close this and so I'm allowing you a short question answer session for 5 minutes, either with me or Shalini Mittal, any of us.
एनी क्वेश्चन यू पीपल है? हेलो मैम. हाँ जी हेलो मैम. हाँ जी हाँ जी बोलो. मैम मुझे गिफ्ट पैकेजिंग का आई कोर्स डोंट नो लेना हु यू आर. आप हेलो कह रहे मुझे. सो आरती आपको भी मैं आप ग्रुप में आ गए हो. यस मैम. आरती आर यू इन दैट ग्रुप? मैम कौन से अभी ग्रुप मैंने में जो आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया था मैंने जो आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया था आप उसमें आ गए हो? मैम मैंने मेरे पास ऑलरेडी व्हाट्सएप में मैं आपके साथ हूँ. तो बस ठीक है. तो आपके पास मानसी भावना का. अब एक मिनट लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग फर्स्ट. सो बाय एवरीवन एंड वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन नाउ.